नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स पे करने का जो प्रोसीजर है वो चेंज कर दिया गया है, और नया जो प्रोसीजर है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप नए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इनकम टैक्स पे करेंगे। जो नया प्रोसीजर है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज जो है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। चाहे आप TDS सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, GST सीखना चाहते हैं, सभी के सभी कोर्सेज जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको कोई थ्योरेटिकल नॉलेज जो है नहीं दी जाती है, सभी प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स आपको अवेलेबल कराई गई है। लीगल प्रोविजंस एज वेल एज जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, कैसे आप टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, कैसे आप 26AS रिकनसाइल कर सकते हैं, GST या 2B 2A रिकनसाइल कर सकते हैं, तो ये सभी बातें जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ इन सभी कोर्सेज में जो है इनकॉर्पोरेट की गई है। तो इसके लिए आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर विद योर पेन एंड पासवर्ड। तो आपकी जो यूजर आईडी है दैट इज योर परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद ई फाइल टैब, जहां पर आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, ई पे टैक्स पर आप क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे सेव्ड ड्राफ्ट का आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आप मान लीजिए कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई चालान आपने क्रिएट किया है और अभी फॉर द टाइमिंग आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको ड्राफ्ट की फॉर्म में सेव कर सकते हैं और लेटर ऑन उसी ड्राफ्ट को यूज करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट जनरेटेड चलान, जो चलान आप जनरेट कर चुके हैं वो जनरेटेड चलान टैब में आपको दिखाई देंगे, एंड पेमेंट हिस्ट्री, जो चलान आपके सक्सेसफुली पे हो जाते हैं वो आपको पेमेंट हिस्ट्री में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, न्यू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के तहत एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर्स, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसके तहत आपको बेसिकली इनकम टैक्स पे करना है। काफी सारे और भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनको हम लेटर ऑन अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप जो है इनकम टैक्स पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, तो आप 23-24 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मान लीजिए 22-23 के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 सेलेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट टाइप ऑफ पेमेंट आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अदर रिसीट, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर, काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो भी टैक्स आप पे करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अभी फिलहाल के लिए एज एन एग्जाम्पल हम 10 रुपीज की पेमेंट कर रहे हैं। कोई सरचार्ज आपको पे करना है, कोई सेस आपको पे करना है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स, तो यहाँ पर आफ्टर दैट अमाउंट एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट, आप इसको सेव कर सकते हैं और लेटर ऑन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन दिए गए हैं। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप चालान जनरेट कर उसको बैंक में जो है प्रेजेंट करेंगे, आफ्टर दैट पेमेंट जो है आपकी उस चालान के जरिए की जाएगी। सिमिलर वे में RTGS NEFT के जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं तो एक चालान जनरेट किया जाएगा जिसको आप RTGS NEFT के जरिए पे कर सकते हैं, या फिर पेमेंट गेट में कोई अदर पेमेंट गेटवे यूज करते हुए आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको काफी सारे जो बैंक्स हैं वो अवेलेबल कराए गए हैं। इनमें से आपको बेसिकली कोई भी बैंक जिसके जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अभी फॉर द टाइम बिंग कुछ सेलेक्टेड बैंक्स ही आपको अवेलेबल कराए गए हैं, लेकिन जल्द ही आपको सभी बैंक यहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बैंक काउंटर पर पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक चालान जनरेट करेंगे और उसको जो है अपने बैंक में जो काउंटर है वहां पर प्रेजेंट करेंगे और वहां से जो है यह पेमेंट की जाएगी। ध्यान रखें, 10,000 रुपये से ज्यादा की जो टैक्स पेमेंट होगी वो कैश फॉर्म में अलाउड नहीं होगी। 10,000 रुपये तक का टैक्स आप जो है कैश पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही पेमेंट करनी होगी। आरटीजीएस एनईएफटी के जरिए अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो सिमिलर वे में आपका जो एक चालान जनरेट किया जाएगा जिसको आप विद आरटीजीएस एनईएफटी इंफॉर्मेशन के साथ बैंक में प्रेजेंट करेंगे और वहां से आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट गेटवे, मान लीजिए आप किसी अदर पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पेमेंट गेटवे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम कैनरा बैंक से जो है पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे हम कैनरा बैंक को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। हम जो पेमेंट करने जा रहे हैं वो नेट बैंकिंग से पेमेंट करने जा रहे हैं, तो ऐसे में कैनरा बैंक को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स है आपने जो फर्निश की है वो एक बार फिर से आपके सामने आ जाती है। आप चेक करेंगे एंड देन पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करना होगा एंड देन सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना होगा। तो ये जो यहाँ पर लीव ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स दिखाई देंगी। कुछ ऑप्शनल डिटेल हैं जो आप फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन पे नाउ पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है एंटर करना है। तो यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड आप एंटर करेंगे, जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है एंटर करेंगे। आफ्टर दैट ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाती है एंड देन आप यहां से जो चालान है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस चालान को आप जो है जनरेटेड चालान के तहत देख सकते हैं या फिर पेमेंट हिस्ट्री में भी आप इस चालान को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपको नए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है अब इनकम टैक्स पे करना होगा।